लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते। आदाब नाजरीन, रूबरू का आज का एपिसोड लेकर मैं शाहीन महाजन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गौर खोज करेंगे, मुख्तलिफ मसाइल पे बात होगी और साथ ही उनका हल ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की ओर, करते हैं अपने सवालों का सिलसिला शुरू। मेरा पहला सवाल है, मनशियात का रुझान हमारी वादी कश्मीर में रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है, इसके पीछे कौन से वजूहात हैं? एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं है, उसकी वजह से जो यूथ है वो मेंटल सिकनेस में मुब्तला हो जाती है और उसके बाद में उनको वो यूफोरिया में पड़ जाते हैं। यूफोरिया एज इन कुछ वक्त के लिए उनको रिलीफ मिल जाता है, दैट इज़ के ड्रग अब्यूज़, ड्रग्स करके उनको कुछ वक्त तक रिलीफ मिल जाता है और उसकी वजह से वो फिर उसी में पूरी तरह से मुलाविस हो जाते हैं और फिर हम लोग देखते ही हैं कि लॉन्ग टर्म के इफ़ेक्ट्स जो आते हैं उसके बाद उनका सुसाइड हो जाता है या बुरी तरह से उनकी मौत हो जाती है। तो आई थिंक ये जो ड्रग अब्यूज़ है इसको किसी हद तक, आई डोंट थिंक इसको पूरी तरह हम ख़त्म कर सकते हैं विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इसमें डिकेड्स एंड सेंचुरीज लग जाएंगी। तो अब अगर हम कुछ इनिशिएटिव्स या कुछ स्टेप्स लेना चाहते हैं इसको कम करने के लिए, तो आई थिंक उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स का बहुत ही बेहतरीन रोल हो सकता है। अगर वो हमारी यूथ के लिए, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट मुहैया कर सकती है, तो आई थिंक जो यूथ है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगी उसी सब में। एंड दूसरा इशू क्या है यहाँ पे कश्मीर में, कश्मीर में जो ड्रग अब्यूज़ है वो सबसे ज़्यादा साउथ कश्मीर में है। साउथ कश्मीर में इट्स अनंतनाग एंड पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। कश्मीर का यूथ जो है वो अपने आप में आदमी तहफ़ के एहसास का शिकार है और उससे बचने के लिए एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड के तौर पर वो पनाह लेते हैं ड्रग्स में। और इसके लिए हुकूमत ये कर सकती है कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट ये कर सकता है कि उनकी बहाली के लिए उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हारा ये मुस्तकबिल जो है सिक्योर है, महफूज है, तो अगर वो इंतज़ाम किए जाएंगे तो उनसे उनका जो एतमाद है वो बहाल हो जाएगा और हो सकता है उस ये भी एक फैक्टर बन सकता है उनको इस लत से छुटकारा दिलाने में। हम देखते हैं कि हर गांव में वो जिसको बोलते हैं पॉपी, खशखाश जिसको हम बोलते हैं, फुकी आम है, यहाँ पर चरस आम है, तो गवर्नमेंट जो है वो इसमें सीरियस नहीं है, वो इस कल्टीवेशन को पूरी तरह तबाह नहीं करती है। ये इजीली अवेलेबल है हमारे यूथ के लिए, यहाँ पर चरस फुकी ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल है, नंबर एक। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसको कर्ब करना है, इस कल्टीवेशन को यहाँ से ख़त्म करना है, अवेलेबिलिटी को ख़त्म करना है बच्चों के लिए। दूसरी बात है कि घर में भी एक पैगाम होना चाहिए वालदेन की तरफ से बच्चे को, अगर कोई बच्चा इस लत, बच्चे को ये लत लग गई है नशे की, तो गवर्नमेंट की भी यही जिम्मेदारी है, वालदेन की भी यही जिम्मेदारी है कि उसको फौरन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दो, उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजो, तभी ये जो ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है ये दूर हो जाएगी। मनशियात के रोकथाम के लिए समाज का, तालीमी इदारों का क्या रोल बनता है? सबसे पहले मैं समझता हूँ कि मनशियात के साथ एक रियलिटी अब बन गई है। सबसे पहले ये इसके साथ जुड़ा स्टिग्मा हमें हटाना चाहिए कि जो हम ड्रग एडिक्ट को गलत नज़रिए से देखते हैं, वो मैं समझता हूँ उस स्टिग्मा को हटाना चाहिए। और यूएन ने अब तो कैनबिस को ड्रग्स की लिस्ट से बाहर किया, तो मेरे ख्याल में कश्मीर में कैनबिस का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, आप इसको ड्रग्स अब नहीं रख सकते हो, चाहे वो रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए पी रहे हैं या किसी चीज़ के लिए ले रहे हैं। तो कैनबिस को ड्रग्स के लिस्ट से हमें हटाना चाहिए, जबकि हम ये भी जानते हैं कि इसका एडिक्शन नहीं होता है। उसके बाद आप बात कर सकते हैं, चाहे आप पेरेंट है, चाहे आप फ्रेंड है, चाहे आप डॉक्टर है, चाहे सोशल एक्टिविस्ट है, तो उसके बाद हमें बच्चों की मदद करनी चाहिए और हम कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से इतना बड़ा मसला नहीं है कि हम इसको अगर चाहे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम मॉरल एजुकेशन घर से ही स्टार्ट करें तो ये बिदत नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो ख़त्म नहीं होगी, अगर हम चाहें, अगर गवर्नमेंट चाहे तो डेफिनेटली
इस बिदत से हमें नजात मिल जाए। जहाँ तक कि हमारे ये ड्रग्स के रिलेटेड हमारी सोसाइटी का इसमें क्या रोल बनता है, मेरे हिसाब से जो सोसाइटी है हमें समझना चाहिए कि जब कोई ड्रग अडिक्ट मतलब होता है उसको हम उस नज़रिए से ना दिखाएं कि उसको खुद से नफरत होने लगे कि अगर मैं इस पर अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मैं कोई ऐसे मुजरिम बन गया कि मैंने कोई ऐसे मतलब क्राइम कर दिया मैंने, उसको हमें वैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो घर में हमारे वालिदैन होते हैं आप उनको देख पाते हैं कि मतलब वो घर में ऐसे बैठे होते हैं और सिगरेट पी रहे होते हैं, तो जब वो ही मतलब अपने बच्चे देखते हैं अपने वालिदैन को सिगरेट पी रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि ये जब घर में ऐसे पी पाते हैं तो मुझे क्या है, मैं तो इससे भी अच्छा मतलब इससे भी बड़ा ड्रग कर सकता हूँ, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब मेरे बाप ने किया है मैं भी कर सकता हूँ। आपको डिटरमाइंड होना, मॉरली स्ट्रांग होना, कुछ भी मैसर हो सोसाइटी में, लेकिन आपको स्ट्रांग होना है, मॉरली स्ट्रांग होना है कि ये चीज़ ना लें, इससे तबाही होती है, इससे घर में भी तबाही होती है, इससे अपने आप की तबाही होती है, आपका फ्यूचर ख़राब होता है। तो कमज़ोर ना बने, वीक ना बने, कुछ भी मैसर हो मार्केट में कुछ भी आ जाए, जैसे हमारे दोस्त ने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए, पाबंदियाँ होनी चाहिए, माफिया को इनको तो इनको बंद करना चाहिए, इनके खिलाफ़ केस होना चाहिए, तो ये तो बड़ा आज 7 साल इसकी सज़ा भी होती है, लेकिन हमें बच्चों को भी मॉरली स्ट्रांग होना है, इनको नहीं लेना चाहिए, कोई कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए किसी चीज़ में भी, चाहे सुसाइडल उनका वो एटीट्यूड हो या ड्रग के लिए कोई चीज़ हो, बिल्कुल उनको स्ट्रांग होना चाहिए। बस ये मेरी इस्तेदा है बच्चों से कि वो मॉरली स्ट्रांग बने और एथिकली स्ट्रांग बने और कोई कमज़ोरी ना बने, ये चीज़ ना लें, ये तबाही है अपने लिए भी, समाज के लिए भी और घर के लिए भी। अभी जो इन्होंने कहा, जो US ने हमें ये लीगलाइज़ किया है कैनबस, ये जो कैनबस है ये कैश क्रॉप है, ये शॉर्ट सोर्स ऑफ इनकम है, मगर इवन देन ये जो है ये एक थ्रेट है सोसाइटी के लिए। मैं ये कहूँगा हमें मॉरली डेवलप होना चाहिए, अपलिफ्ट होना चाहिए, हम ये क्रॉप जो है इसको कल्टीवेट ही ना करें जिससे कि सोसाइटी में अदर क्राइम्स को जन्म लेते हैं, थेफ्ट, मर्डर या अदर सच एक्टिविटीज़। ये जो यूथ है दवाई इसको एज मेडिसिनल प्लांट जो है बॉटनी में या इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, लेकिन लोकली इसको ड्रग यूज़ किया जाता है जो कि अदर क्राइम्स को जन्म देता है। मेरे हिसाब से अगर यूरोपियन कंट्रीज़ जो चीज़ बनाते हैं वो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस को वो बिज़नेस के लिए देते हैं, तो वो हमेशा बिज़नेस इन्हीं अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग नेशंस से करते हैं। हमें इस चीज़ से बाहर आना चाहिए, इन इंस्टीट्यूशंस एंड फ्रॉम द सोसाइटी, वो क्रॉप हमें ख़त्म ही करना चाहिए जिससे कि क्राइम को जन्म मिलेगा। मेरे ख़्याल से हमें यूथ को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, रेस्पेक्ट, उनकी जो सेल्फ़ रेस्पेक्ट है उसका हमें ख्याल रखना चाहिए, और साथ साथ जो हालात रहे हैं हमारे, तो यूथ जब हम देखते हैं तो यूथ बहुत विक्टिमाइज हुई है, हमारे जो हालात रहे हैं कई सालों से, तो यूथ को रेस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, यूथ पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, दे नीड लव, दे नीड एप्रिसिएशन, और बाकी जितने भी हमारे इदारे हैं घर से लेकर, इसमें जो हमारे हेल्थ वर्कर्स आते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ अ रोल, और रिसेंटली ये बात भी आई थी जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो ये ड्रग डी एडिक्शन वहाँ पे जो सेंटर्स हैं, तो वो भी गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा कदम है, तो हमें, मैं यही कहूँगा कि यूथ को रेस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल्स हु आर द पार्ट ऑफ ड्रग माफिया और those individuals who propagate the drug mafia in any way, they need to be identified, they need to be socially boycotted, they need to be humiliated, because they are the individuals who are actually selling, who are actually doing illicit trafficking of drugs. Kyunki aapke market mein jab drug hai tabhi uska use hota hai. सो इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग पे गवर्नमेंट और पुलिस का और इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब ये नेक्सस चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद इट, दे आर बेसिकली द क्रिमिनल्स। आई कैन से द पर्सन हु इज़ प्रोपगेटिंग दिस ड्रग माफिया कल्चर, ही इज़ एक्चुअली द क्रिमिनल।
और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है दैट इज़ फैमिली लेवल पे पेरेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखे, उनके फ्रेंड सर्कल को देखे। मैं आपको एक अपनी एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड माय फादर वाज अ स्मोकर, यू वोंट बिलीव। मैंने उसके साथ बायकॉट किया, मैंने बोला भाई मैं आपके साथ बातें नहीं करूँगा, आई वोंट इंटरेक्ट विद यू अनलेस अनटिल यू वोंट क्विट स्मोकिंग। फॉर्चुनेटली मंथ ऑफ रमज़ान वॉज कमिंग, द डे आई टॉक टू हिम, उसके बाद कुछ दिनों के बाद मंथ ऑफ रमज़ान स्टार्ट होने जा रहा था, एंड फॉर्चुनेटली मंथ ऑफ रमज़ान को पास ऑन करके उसके बाद वो नॉन स्मोकर बने। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप किसी ड्रग एडिक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो, उससे पहले कंपैशन से, रेस्पेक्ट से उसे पूछे भाई आप क्यों बने। कभी घर के हालात भी ऐसे होते हैं, कोई बच्चा जो है वो पॉवर्टी का शिकार है, मेंटल प्रेशर है उसके पास, वो कभी किसी एग्ज़ाम में फेल होता है, उसके बाद उसको लव और रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, वो थोड़ा सा सोशल बायकॉट होता है फैमिली लेवल पे। वो उस बच्चे के साथ रिस्पेक्ट के साथ उसकी प्रॉब्लम्स को सुनना है और कोशिश करनी है कि एक अच्छा सा, अच्छे से उसके साथ बिहेव करें। वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी, जिससे हम इस ड्रग एडिक्शन को रोक सकते हैं। अगर देखा जाए हमारी वादी कश्मीर में कई सारे इलाके हैं जहां पर भांग और दीगर मनुष्यात की काश्त होती है। आपको नहीं लगता है कि सरकार को इसकी तरह तवज्जो देनी चाहिए? आई बिलोंग फ्राम बिजबिहाड़ा, तो वहां बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे सिटल कल्टीवेशन होती हैं, और पुलिस जो है वो उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। पुलिस के होते हुए जब वो बाकी कोई चीज़ें होती हैं वो 24 आवर्स में इंक्वायरीज़ कंप्लीट करते हैं, तो ये तो खुला है आम कल्टीवेशन होती हैं, वाई दे कॉन्ट स्टॉप इट। सो पुलिस का अहम रोल है इसमें, और उसके अलावा जो हमारे सिविल सोसाइटीज़ हैं, सिविल सोसाइटीज़ के पास जब बहुत सारे मसले होते हैं तो वो उनको देख लेते हैं कि कौन सा हाल है उनका। मगर ये तो अहम चीज़ है, क्योंकि अगर हम यूथ देख लेंगे, यूथ इज़ बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। जब वो यूथ बिगड़ जाएगा तो वो कंट्री ही ख़त्म हो जाती हैं। सो फर्स्टली सोसाइटी, सिविल सोसाइटीज़ जो हमारे गाँवों में जो भी कमिटीज़ होती हैं, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, दे नीड टू आइडेंटिफाई दी एरियाज़ वायर सच कल्टिवेशन इज सिटल टेकन प्लेस। तो वहाँ पे एक तो क्या है कि एक तो उन लोगों को समझाना चाहिए, या अगर किसी फैमिली की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उन का कोई फाइनेंशियल सोर्स नहीं है, जो वो मजबूरी में ये कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ अल्टरनेट सोचना चाहिए और उन लोगों को एजुकेट करना चाहिए। और पुलिस का अहम रोल है इसमें। आई कैन से दिस बिकॉज आई बिलोंग टू द एरिया वेयर देयर आर सो मेनी विलेजेस जहाँ पे ये अभी भी प्रैक्टिसिंग हो रही है। पुलिस को पता भी होता है, बट वी डोंट नो कि अनफॉर्चुनेटली व्हाई पुलिस इज़ नॉट टेकिंग एक्शन, वो एक्शन में क्यों नहीं आते हैं। तो पुलिस का अहम रोल है इसमें। एक तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, देना चाहिए। पटवारी को आइडेंटिफाई करना है किस किचन गार्डन में ये उगाया जाता है, किस फार्मर के घर में, किस फार्मर के खेत में। आजकल तो सेबू के खेत में ये उगाते हैं गाँव में, बहुत फुकी पैदा हो जाती है, बहुत फुकी ये उगाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी, मैंने यही दोबारा मैं बात बोलूँगा कि इसका फ्री हैंड जो है वो औरतों को मिलता है। हर गाँव की औरतें ये खुद बेचती हैं और इसमें मेल मेंबर्स कोई मुदाखलत नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो ये बिज़नेस है ये औरतों के हाथों लग गया है, इसको कर्म करने की ज़रूरत है। मैं उसी इलाके से आ रहा हूँ, उसी इलाके का मैं था यहाँ जहाँ से भांग काश हुआ करती थी। बहुत बार मैं सोचता रहा कि हमें क्या हुआ है कि हम क्यों काश किया करते थे। तो फिर मैंने जो बुज़ुर्ग हमारे थे उनसे पूछा क्या वजह है, उन्होंने कहा कि बाढ़ से हमें कुछ बचता ही नहीं है, सिर्फ यह एक पौधा है जो बचता है। तो इन्होंने ठीक कहा कि हमें आइडेंटिफाई करने चाहे वो कौन कौन से गाँव हैं यहाँ पर यह काश होती है, अगर उनको उन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए या कुछ एग्रीकल्चर को देखना पड़ेगा कि क्या ये काश कर सकते हैं, ये कौन सा काश कर सकते हैं जिससे इस भांग को ये ख़त्म करे और उस पौधे को उगाए जिससे उसको फ़ायदा मिले।
ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ कश्मीरी सोसाइटी की नहीं है, ये पूरी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर देखा जाए कश्मीर में तो सबसे ज़्यादा ये साउथ में उगाई जाती है, और साउथ में अगर आप देखोगे तो हमारे इलाके में यानी बिजबिहाड़ा इलाके में सबसे ज़्यादा, वो भी कौन सा एरिया, तुलखन, लक्टीपोरा, मेलहूरा, मैं नाम दे के बता रहा हूँ। देखिए यहाँ किसी भी चीज़ में स्टेबिलिटी है नहीं। मैं हायर एजुकेशन में काम करता हूँ पिछले 10 साल से, मैं भी स्टेबल नहीं हूँ। आज मैं हूँ, शाम को मुझे सरकार कहती है सुबह आप नहीं हो, सुबह आप नहीं हो। कहने का मतलब है मैं इस सिस्टम में हूँ एक मतलब एक कंट्रैक्चुअल के तौर पे। 10 साल में मुझे निकाला गया और 10 बार मुझे फिर से अपॉइंट किया गया। मेरी सोसाइटी में, मेरे मोहल्ले में सारे लोग ये कैश क्रॉप उगाते हैं, लेकिन मैं नहीं उगाता। अब मेरे पास भी कोई रास्ता बचा ही नहीं, आप बताइए मैं क्या करूं? एक पीएचडी स्कॉलर होके मेरे पास रास्ता ही नहीं बचा। मैं सोचता हूँ अपने मोहल्ले में जब देखता हूँ ना कॉन्स्ट्रक्शंस को, बड़ी बड़ी कॉन्स्ट्रक्शंस हैं, मैं डिकेड से अपने गाँव में ये चर्च देखता हूँ और वहाँ पर उगाते हैं लोग, उनकी कॉन्स्ट्रक्शन है। अगर आप देखोगे ना बॉम्बे, दिल्ली, सब इतने इलाकों में ऐसी कॉन्स्ट्रक्शन नहीं होगी जैसी हमारे मोहल्ले में है, तुलखन में है, मेलूरा में है। अब मैं वहाँ पे एक गरीब बीपीएल बंदा दिख रहा हूँ, क्यों? मैं अंत्योदय लिस्ट में आ गया हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाई करी और इस बिद्दत को छोड़ा। लेकिन मेरी सोसाइटी ने, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने, लॉ एनफोर्स एजेंसीज ने मुझे इतना मजबूर किया, आज मैं सोचता हूँ, मेरी बीवी मुझे कहती है बाबा ये छोड़ दो ईमानदारी की बातें और खेती करना स्टार्ट कर दो। मैं कहता हूँ कौन सी खेती, बंक की खेती स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टरेट हूँ, 39 साल 3 महीने का हो गया हूँ। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मेरे पीछे सारे लोकल फंड बैठे हैं, 30 साल से बैठे हैं बंदे, और 30 साल से ये इस सिस्टम में है। कल को ये रिटायर हो रहे हैं और इनके ये जब घर जाते हैं ना बेचारे, तो खाने के लाले पड़ जाते हैं। दूसरा कोविड, तीसरी अनएम्प्लॉयमेंट, आप देखिए ना कितने फैक्टर्स हैं जो ये बंक को पैदा करवाते हैं, उस पर आप क्यों ध्यान नहीं देते हो? आप पुलिस को ब्लेम करते हो, आप दूसरी चीज़ों को ब्लेम करते हो। मैं कहता हूँ जब तक अब सिस्टम को नहीं बदलोगे ना, एक इंसान को ईमानदारी से जो बंदा काम करता है ना उसको हक नहीं दोगे ना, उसको एक इंसान नहीं समझोगे ना, कभी तरक्की नहीं होगी, कभी ये बंग नहीं रुकेगी। मैं कहता हूँ, मेरे भाई ने कहा हमारे दिमागों में अब सुसाइडल थॉट्स आते हैं, अल्लाह गवाह मैं पिछले 3 महीनों से डिप्रेशन की दवाई खाता हूँ, हार्ट रेट मेरी 130 हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ और बेकार हूँ, और मेरी सोसाइटी में सारे बंग उगाते हैं, पटवारी से लेके थानेदार सब मिले हैं, और हम क्या करते हैं, हम तमाशा देखते हैं, और मैं अंत्योदया हूँ और वो इंडस्ट्रियल है और वो डेवलपर्ड है। आप जब तक ये चीज़ें नहीं समझेंगे ना, कभी ये चीज़ नहीं रुकेगी। अल्लाह हाफिज़। मेरा सवाल है, बाहर की इस्लामिक कंट्रीज़ में जब सिनेमाघरों को इजाज़त दिया जाता है तो यहाँ पे इसे गैर इस्लामी क्यों करार दिया जाता है? सिनेमा इस्लामी और गैर इस्लामी हो ही नहीं सकता। तो रही बात अगर इसको कहीं पे इजाज़त मिल रही है, मुझे लगता है कश्मीर में इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं, हमारे हर किसी के जेब में एक सिनेमा पड़ा हुआ है। सो आजकल हम इस चीज़ पर, और आप अगर बाहर भी देखेंगे आजकल बहुत कम लोग सिनेमा देखने जाते हैं, बहुत फ्यू पीपल गो टू थिएटर्स, और मल्टीप्लेक्सेस बने हुए हैं आजकल, घर में होम थिएटर्स, आजकल घर में सिनेमा बना हुआ है, और हर घर में, हर कमरे में आप देखोगे कि एक द टाइम अगर चार परिवार में चार लोग हैं तो चार मूवीज चलती हैं वहाँ पर। सो मुझे लगता है कि इसमें इस्लामी और गैर इस्लामी को खींचने की ज़रूरत रहती नहीं है। जहाँ सिनेमा है वहाँ इस्लाम की बात ही नहीं हो सकती है, और जहाँ पे इस्लाम है वहाँ सिनेमा की ज़रूरत रहती नहीं। जो फिल्में बनाते हैं, मुझे एक बार कहा गया कि इंडिया में कानून बना है रेप पर, इंडिया में कानून बने हैं मर्डर पर, लेकिन मैंने उनको एक तजवीज़ दी थी कि भाई आपको न रेप पर उतने कानून बनाने हैं, न मर्डर पर उतने कानून बनाने हैं, आपको सिर्फ़
फिल्म बनाने वाले और फिल्म प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने वालों पे कानून बनाना है, ना वो सेक्सिज्म फिल्म में दिखाए ना वो मर्डरिज्म फिल्म में दिखाए। क्योंकि कम तालीम याफ्ता लोग जो 14 साल के होते हैं, जब वो फिल्म देखता है उसमें वो रेप देखता है, वो सोसाइटी में करता है। वही मिसाल हमें बिहार से मिलती है, यूपी से मिलती है। और जब वो मर्डर वहाँ दिखाते हैं तो क्रिमिनल्स उसको इस्तेमाल करके सोसाइटी में करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मैसेज देना चाहता हूँ कि इंडिया में रेप और मर्डर पे कमी नहीं होगी। आपका सिर्फ फिल्म चेंज करना है। जो फिल्म आप दिखाओगे उसमें रेपिज़म और मर्डरिज़म को निकाल दो, उसको एक सही चीज़ बना दो, चाहे आपकी इनकम बंद भी क्यों ना हो जाए, जितनी इनकम चले उसको जायज़ तरीके से पेश करो और उसको दिखाओ। और जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, हर घर में फिल्में देखी जाती है टीवी पर आजकल, तो इसमें किसी किस्म की पाबंदी यहाँ नहीं है। रहा सवाल ऑर्गेनाइजर का, उसको मैं नहीं कह सकता हूँ कि कैसे वो होगा, लेकिन ये चलता है। लेकिन फिल्म, मैं सबको ये कहता हूँ कि आपको फिल्म जो है, मीडिया है, ये सोशलाइज करता हो। अगर आप इसको सिक्रूटनाइज करोगे कि बनस्बत आप उतने पैसे खर्च करोगे लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज पर, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म राइटर और फिल्म प्रोड्यूसर को आप सिकंजे में डाल दो, भाई मुझे वो फिल्म इस कंट्री में चाहिए कि जो मेरे नौजवान को तबाह ना करे, जो मेरे नौजवान को रेप और मर्डर ना सिखाए, तो तब ये कंट्री जाकर आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इस बेसिक डिजीज़ पर जाना पड़ेगा और उससे कंट्री ठीक हो जाएगी। सोशल मीडिया एक ऐसा ज़रिया है जो एसेसिबल है सारे लोगों के लिए, उसको बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं। तो जो इश्यूज जैसे सर ने बताए, इन सब इश्यूज को अगर हम इग्नोर करें और अच्छे इश्यूज पर हम फिल्म्स बनाएं जिससे बच्चे एक राइट डायरेक्शन में जाएं, तो मेरे ख्याल से हमें एक ऑर्गेनाइज सिनेमा स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। हम इसको थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स हम बच्चों को अच्छा डायरेक्शन इसमें हम दे सकते हैं। हम अक्सर जब यहाँ सिनेमाघरों को खोलने की बात आई तो लोगों ने मज़हब के साथ जोड़ दिया। हाँ ठीक है, सर ने कहा कि इसमें वायलेंस की सीन, क्राइम की सीन्स नहीं, क्राइम की जो टेक्निकलिटीज़ वो नहीं डिपिक्ट होनी चाहिए, पोर्ट्रेट होनी चाहिए, और इसमें जो पोर्नोग्राफी है या ऑब्सिनिटी है वो मिनिमाइज, मतलब दैट शुड बी एलिमिनेटेड, बट इट शुड बी हेल्दी। बट वी नीड टू इनकलकेट अ हेल्दी माइंड सेट which will promote these healthy things in society, और हर एक को मज़हब के साथ जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है और गैर ज़रूरी तौर पर इसको पॉलिटिसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में अब चूँकि हर जेब में फिल्म देखने के ज़रिए है, तो सिनेमा बेचारे का क्या कसूर है? हम लोग इकट्ठे सोशलाइज करते थे। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो कभी कभी टिकट ब्लैक में ख़रीद के भी फिल्म देखते थे, और आज जिन जगहों पर सिनेमा पे बैन नहीं है वहाँ भी कितना लोग अब उसमें वो जाते होंगे। आई थिंक दिस इज़ राइट टाइम वी रिमूव बैन्स ऑन सिनेमा। और उसके अलावा यहाँ का लोकल टैलेंट, यहाँ के एक्टर्स, यहाँ का फोक थिएटर, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए मेरे ख्याल में, फिल्में डायरेक्ट करने में, प्रोड्यूस करने में, और उनमें एक्ट करने में, और उनमें सिंगिंग और म्यूज़िक सा हर एक सब्जेक्ट में। और मुझे नहीं लग रहा है कि सिनेमा में कोई ऐसी बुराई है जो उसमें है, सिर्फ सिनेमा में। ये देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या देखना चाहता है और उसके टेस्ट्स और प्रेफरेंसेस क्या है। हैविंग सेड दिस, I don't think there is any harm in opening cinema theaters in Anantnag or in Kashmir. मेरा सवाल है, पिछले 30 साल के नामसाइद हालात की वजह से कश्मीरियत और सूफिज्म पे कितना असर पड़ा? आज की सोसाइटी में अगर मेरा बच्चा मार्केट में कश्मीरी में बात करता है ना, तो उसको ना नीच नाजरी से तेमिस वूछन। हमारा बच्चा उर्दू में या इंग्लिश में ही बात करना चाहे। देखिए वो तो सब यहाँ तो पहलगाम में जो वो दुकानदार वगैरह लोग हैं वो भी इंग्लिश बोलते हैं, दे ऑल नो इंग्लिश वेरी वेल। बट क्या है कि जो हमें बेसिक
जो हमारी कश्मीरी लैंग्वेज है, हम खुद ही रेस्पॉन्सिबल हैं उसको, हमने उसको मतलब बुला लिया है, वो तो हम उसके लिए खुद ही ज़िम्मेदार हैं। हाँ, हालात तो ठीक हैं, वो अपनी जगह पे हैं, बट वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसको हम पिरवर कहते थे कश्मीर को, क्योंकि यहाँ मजहबी रिवादारी हम आहंगी फिरकवारन हम आहंगी उसका ये मरकज़ था, उसके लिए मशहूर था, ये वादी थी। लेकिन पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं कि ये जो सूफ़ी रिवायत हैं उनकी मकबूलियत में बहुत कमी आई, क्योंकि कुछ ऐसे नज़रियात पनप गए यहाँ या उनको प्रमोट किया गया जो मज़हबी इस फ़िरकवाराना हम आहंगी और मज़हबी रिवादारी के उस रिवायत को मतलब उसको अंदर अंदर से खोखला कर दी। तो ये एक बदकिस्मती है, एक बदकिस्मती का दौर चल रहा था यहाँ, लेकिन ज़रूरत हमें ये है आइंद मतलब मुस्तकबिल में कि हम उन जो हमारी जिनके लिए ये वादी कश्मीर मशहूर थी उन रिवायत को फिर से ज़िंदा करें, उनका अहया करें और मज़हबी रिवादारी और फिर कवाराना हम आहंगी के नज़रियात को फ़रोग दें और उनको फिर से ज़िंदा करें। ये मेरी राय। डॉक्टर इम्तियाज़ साहब ने सही फरमाया कि जिस कौम की ज़बानें मर जाती हैं, मादरी ज़बान मर जाती है, तो वो कौम ही मर जाती है, क्योंकि हमारी वाहिद एक आइडेंटिटी है, एक वाहिद शिनाख्त है जिसको हम अपनी शिनाख्त कह सकते हैं कि हम कश्मीरी हैं, और इसी ज़बान में सारे पोशीदा राज हैं, कल्चरल वैल्यूज़ कहें आप, मॉरल वैल्यूज़ कहें, जो हमें अपने एंसेस्टर्स के थ्रू मिलती थी अपनी ज़बान के हवाले से। जब भी वो ज़बान हमें पिलाते थे, खिलाते थे, ज़बान सिखाते थे, तो साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ और कल्चरल वैल्यूज़ भी सिखाते थे। तो जब हम इसी वाहिद आइडेंटिटी की बात करते हैं, वाहिद शिनाख्त की बात करते हैं, तो इसी में सारी रिवायात मौजूद हैं। इन्होंने मज़हबी रवादारी की बात की, वो भी इसी में मौजूद है। इन्होंने तसव्वुफ़ और सूफ़ी कल्चर की बात की, वो भी इसी ज़बान में मौजूद है। आप जब भी कश्मीरियत और बाकी जैसे नारों की बात करते हैं, तो सारी की सारी रिवायात जो हैं इसी ज़बान में पोशीदा हैं। तो जब तक ज़बान है कौम है, ज़बान नहीं है तो कौम नहीं है। मे बासन अत सवाल जवाब दिन खतर अगर बेकार लैंग्वेज इस्तेमाल करो सच कश्मीरियत सत पजाद खुद नाइनसाफी वाकई तौर पन्न अख रिच अख पन्न कल्चर तम से दूर गम ज़्यादा दूर क्या बहुत सुबह पन्नस बच्चस सत्य इंट्रैक्शन कर मे वो कत कर लालटीन और अफसूस मुकाम कि बसि पेरेंट मे वो बच्चस हम तो यह लालटीन कथ मे पे तुम्हें एक्सप्लेन कर बहुत पड़ान तुंद वक्त अत लालटीन गाशस या चंगस या अत शमा गाशस तल पड़ान अत मिस्तील लगन और अज वारियान चीज़न कश्मीरी कन वारियान अल्फाजन अंडरस्टैंड करने खातिर गूगलस मज पे सर्च कर अंग्रेज पे क्या वन मे बासन ये यह पोज इशफाक सबन वन कि ये कौम मरन तम ये जन तिम रिवायत तमो पो अमे कल्चर निश दूर गसान और यह गई जान कि ये कौम पमिस कल्चरस सत पा जबान सत नफरत कर मे बासन अम खन कहें नाइनसाफी तो अत कौमस मे बासन मर्द वन नश रुकाय ना वी शुड प्रमोट आर लैंग्वेज इस कश्मीर ज़बान च हम अपने घरों से स्टार्ट करेंगे हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है इस हिस्सा हो दुम कश्मीर उसके बाद हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल है टीचर्स का रोल है कि वो इस ज़बान को कैसे प्रमोट करेंगे कि करिकुलमस मज मैंडेटरी आसुन सुन कश्मीर लैंग्वेज क्योंकि यही लैंग्वेज जो है हमारी कल्चर की आइडेंटिटी है मेन व्हीकल है एक ज़रिया है जिससे हमारा कल्चर जो है ज़िंदा रहेगा आगे के लिए। कश्मीरियत पे बात करना या सूफिज्म पे बात करना वैसे मेरे इख्तियार में नहीं है क्योंकि मैं कश्मीरी नहीं हूँ। मेरी शादी यहाँ हुई है लेकिन ये जो कश्मीरियत है ये हमारी लैंग्वेज नहीं है। कश्मीरी मैं समझ सकती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि मेरे बच्चे उनको कश्मीरी आए, वो कश्मीरी पहचाने
और जब कश्मीरियत की बात करती हूँ तो लैंग्वेज नहीं है, हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारा पहनना, हमारा खाना, हमारी मेहमान नवाजी, हम किस तरीके से बाहर वालों को ट्रीट करते हैं, वो सब हमारी कश्मीरियत में आती है। और मैं बहुत गर्व के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि मेरी एक कश्मीरी के साथ शादी हुई है और मैं इस कश्मीरियत का एक हिस्सा बन सकी हूँ। शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हमें इजाज़त नहीं देता है, हमें आज के प्रोग्राम को यहीं पे रोकना होगा। जो सवालात रह गए हैं अगले प्रोग्राम में हम उसको फिर से शामिल करेंगे। अगर आपकी कोई राय या आरा हो इस प्रोग्राम को लेकर तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया के ज़रिए जुड़ सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी पूरी रूबरू की टीम को। खुदा हाफिज़।